अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक ठाक होंगे। और यहाँ जी नाश्ते का टाइम है और सुबह स्कूल जाने का टाइम है बच्चों का, तो बस उनके लिए जो है ना, किसी को आलू का पराठा खाना था और बस किसी को क्या खाना, तो उस हिसाब से मैंने बना दिया था। लंच बॉक्सेस भी रेडी कर दिए थे और अपनी जो है ना पुडिंग भी अच्छा, ये जो है ना मेरी चिया सीड की पुडिंग, अब मैंने क्या ना ज़रा टाइम ज़रा चेंज कर लिया। पहले तो मैं 11-12 बजे जब उठती थी उसी टाइम खाती थी, फिर साथ मुझे चाय पीनी होती थी, अब मैं इसी टाइम खा लेती हूँ और चाय जो है ना मैं 11-12 के बीच में पी लेती हूँ, तो वो सही रह गया। और ये जो रात को मैंने साबूदाना की पुडिंग बनाई थी ना, तो बच्चों को बड़ी पसंद है और वैसे भी बहुत अच्छी होती है साबूदाना, तो ये थोड़ी सी लेफ्ट ओवर थी, तो ईमान कह रही थी कि मैंने ना यही सुबह खानी है, तो मैंने कहा चलें खा ले। और खाना तो बच्चों ने ऐसे ही होता है 2-3 चम्मच, लेकिन ये होता है कि खाली पेट स्कूल ना जाए, कुछ खा पी के ही जाए ना घर से। तो बस यहाँ मैं बच्चों को जो है नाश्ता दे रही हूँ और अपनी पुडिंग भी लेके रख ली है। और ये जी थोड़े से मैंने कहा ज़रा ठंडे हो जाए तो फिर लंच बॉक्स में डालती हूँ, नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा सोगी हो जाते हैं। और ये होता है सम टाइम इनके साथ ना कुछ ऐसे सैंडविचेस हैं या कुछ है, तो मैं ना पैनकेक है तो थोड़ा सा फ्रूट भी कट करके दे देती हूँ, तो आज फ्रूट नहीं लेके जाना था, आज बस ये बिस्किट लेके जाने थे। और इस किस्म के स्नैक्स वगैरह मैं बहुत मतलब देती नहीं हूँ, हाँ ये होता है कि मैं उन्हें कहती होती हूँ फ्राइडे के फ्राइडे आप ले जाओ, क्योंकि हाफ डे होता है, तो नॉर्मली ये होता है कि फ्राइडे को भी मुझे होता है कि कोई फ्रूट ले जाएँ या सैंडविच या कोई टोस्ट इस तरह ले जाए ना, तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। तो स्कूल से आके तो उन्होंने लंच करना ही होता है, लेकिन इस तरह की चीज़ें फिर स्कूल में खाना तो इतना हेल्दी नहीं होता, तो इसलिए जो है ना आज मैंने फिर थोड़ी सी चलो ले जाओ कोई बात नहीं। और यहाँ इनकी सॉस वगैरह जो लेनी थी तो बस उसको मैंने डाल दी, किसी को लेनी थी किसी को नहीं लेनी थी, बस ये अजीब ही फ़िलासफ़ी होती है, जैसे होता है ना रात को सुबह क्या पकाना है, तो ये वाला भी एक एजेंडा ही होता है कि सुबह लंच में क्या देना है, क्योंकि बच्चों को चाहिए होती है वैरायटी। और बट एनी वे इनके लंच बॉक्स मैंने जो है ना बंद कर दिए हैं प्रॉपर। और ये है जी मेरी चिया सीड विद साबूदाना पुडिंग। रात को जो मैंने बनाया था ना साबूदाना, तो मैंने उसके साथ ही थोड़े से अपने वाले बाउल में चिया सीड मिक्स करके रख दिए थे और इतने मज़े के थे ना। नॉर्मली ये होता है मैं फ्रूट और खजूर डालती हूँ, ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हैं जैसे आगे सर्दियाँ आ रही हैं ना, तो ड्राई फ्रूट भी बहुत सही रहेंगे। तो लेकिन आज मैंने ना साबूदाना और सिर्फ चिया सीड ही थे मिक्स करके रख दिया था, तो वो इतनी मज़े की बनी है ना, सीरियसली बहुत मज़े की बनी है, जिससे चिया सीड नहीं खाया जाता ना, तो वो थोड़ा सा साबूदाना ऐड कर ले तो बहुत ही मज़े का टेस्ट बनता है। और यहाँ जी बच्चे बस स्कूल से आने वाले थे, तो आज मुझे बिल्कुल समझ नहीं आई थी मैं क्या बनाऊँ ना, तो फिर मैंने सोचा चले मैं जो ना पुलाव बिरयानी बना लेती हूँ, तो बस वो तो बहुत झटपट सी बन जाती है, बस आपके पास ना 2-3 चीज़ें होनी चाहिए, एक बिरयानी मसाला और एक चिकन, और बाकी चीज़ें आपके किचन में होती हैं, तो बहुत ही झटपट से और मज़े की बिरयानी बनती है। और मैंने कहा काफ़ी दिन हो गए थे क्योंकि बच्चे स्कूल से आते फिर उन्हें लंच करना होता है, कभी पराठा वगैरह मैं बना देती हूँ, तो आज मैंने कहा चले हमने भी सुबह से चिया सीड खाए थे, तो मैंने अभी चाय भी नहीं पी थी और मैंने कहा चलो लंच इकट्ठे करेंगे, तो बस अभी झटपट से बना रही हूँ, तो आप जो ना ये रेसिपी बनाएँ और इसको एंजॉय करें, बहुत ही इजी और झटपट वाली है।
और यहाँ जी बस इससे लग रही थी मैं दम लगाने, और मैंने आज सिर्फ नमक इसमें ऐड किया और मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया। हरी मिर्चें मेरे पास नहीं थी और हस्बैंड भी ऑफिस जा चुके थे, तो मैंने कहा अब क्या करूँ, हरी मिर्चों के बगैर तो चावल अच्छे नहीं लगते। तो फिर मेरे पास धनिया था, बस मैंने वही इसमें डाल दिया। थोड़ा सा ग्रीन कलर से ज़रा अच्छा सा कलर लगता है। नॉर्मली मैं धनिया और पुदीना नहीं डाल रही होती, जो नॉर्मल लेयर्स वाली बिरयानी होती है उसमें डाल देती होती हूँ। आज मिर्चें नहीं थी तो सो मैंने इसमें डाल दी, इसको दम लगाया और हल्का सा जर्दे का रंग भी डाल दिया था, और तो ज़रा अच्छी लगती है। यहाँ जी अलहमदिल्ला हमने दम खोला और बच्चे भी अलहमदिल्ला आ गए थे, और यहाँ जी मज़ेदार सी बिरयानी हमारी रेडी शेडी होगी। बहुत झटपट सी है, अगर सम टाइम आपका दिल भी कर रहा है और आप लेयर्स वाली नहीं बनाना चाह रहे तो आप इस तरह की बना लें, बहुत मज़े की लगती है। होती तो ये भी बिरयानी, अक्सर लोग तो इसको बिरयानी भी कह देते हैं, बट अच्छा जिन लोगों को लेयर्स वाली नहीं पसंद है, जिनको ज़रा बनानी मुश्किल लगती है ना, वो इन्हीं इसी को बिरयानी बोलते हैं, बट मैं इसको जो है ना बिरयानी पुलाव ही कहती हूँ। तो ये बहुत मज़े की बनती है और झटपट बन जाती है, और जी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा अगर नहीं की भी आप लोगों ने। तो यहाँ बस हम अपना लंच इंजॉय कर रहे हैं, और रायते में जो ना मैंने बस प्याज काट करके डाल दिए थे, तो मतलब ये बिरयानी इतनी मज़े की होती है ना, भी रायता होना तो बहुत ही मज़े की लग रही होती है, बट हो तो फिर बहुत ही मज़ा होता है। पुदीने की चटनी इसमें ऐड करके और प्याज डाल के रायता मैंने रेडी कर लिया, बस यहाँ हम अपना लंच इंजॉय करेंगे। आई होप आज का व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो कमेंट्स में ज़रूर बता दीजिएगा। अपना ख्याल रखें, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।